Oh, hi, princess. वो कितनी प्यारी है। मैं बात के लिए रख लेती हूँ। मुझे भूख लग रही है। डैड, मुझे स्नैक चाहिए। ठीक है, ये लो। ठीक है, अभी मुझे और नहीं चाहिए। ये कैंडी अच्छी है। ओह हाँ, मेरे लॉलीपॉप। एव, ये बहुत गंदा है। मेरी लॉलीपॉप खराब हो गई। ओह ये भगवान। ओह कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। हाँ, लगता है मेरे पास एक जीनियस आइडिया है। ये फिट आ गया। ये रही तुम्हारे लिए एक नई लॉलीपॉप। ये लो, ये वाली आप ले लो। मैं ये वाली बात के लिए रख लेती हूँ। मैं अपनी बीच बॉल के साथ खेलने जा रही हूँ। चलो यहाँ देखते हैं, ये कहाँ चले गए। ओह हे भगवान, इन नाइफ्स को तो देखो, ये मेरे घर में नहीं हो सकते। अगर मेरी एंजल यहाँ तक पहुँच गई तो क्या होगा। वो इन यूटेंसिल से खुद को नुकसान पहुँचा सकती है। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकती। मुझे इन्हें किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ उसका हाथ ना जाए। ये काफी बेहतर है, अब वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, मैं उसके यहाँ से थोड़े खिलौने उठा देती हूँ। एक सेकंड रुको, इस टेबल का ये कोना तो बहुत शार्प है। ये तो नाइफ से भी खतरनाक है, उसकी इसमें टक्कर हो सकती है। और नहीं, उसके छोटे छोटे घुटने नहीं, मैं इस टेबल की वजह से उसे रोने नहीं दे सकती। हे भगवान। और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में ऐसे टेबल को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। हाँ, पिलोज ने सभी कोनों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है, अब ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी। दरवाजा बंद करना नहीं भूल सकते। रखो आउटलेट्स, घर के आउटलेट्स। नहीं, वो क्या कर रही है, उसे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेबी नहीं। अभी के अभी रुक जाओ, तुम आउटलेट में अपना हाथ कभी नहीं दोगी। आह, अपने आप को देखो, तुम बहुत गंदगी फैलाती हो। लाओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। ओह मैं तुम्हारा क्या करूं। हे, एक सेकंड रुको, इन वाइप्स का ढक्कन मेरे काम आ सकता है। हाँ ये जरूर काम आएगा, मुझे बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी है। ये देखो, मैं इस ढक्कन को उतार सकती हूँ और इसे आउटलेट के ऊपर चिपका दूंगी। अब ये वॉल कवर बन गया है, इससे उसकी उंगलियाँ सॉकेट से दूर रहेंगी। ठीक है, अच्छे से रहना, मॉमी जा रही है। एक सेकंड रुको। आरन! ओह, मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती। वैं, वैं। इस कमरे में कितनी गड़बड़ है। हाय मामी, मुझे पता है, मुझे बाहर जाना है, पर जब तक मैं वापस आऊँ ये कमरा साफ होना चाहिए। पर ठीक है, ना ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर है। ओ नहीं, मम वापस आ गई, मुझे कुछ करना होगा और जल्दी। ये वैक्यूम काम आएगा। एक सॉप ये काम आएगी। मैं वैक्यूम होस के ऊपर सॉक लगा देता हूँ और सारे लेगो पीसेस इसी में खींच लेता हूँ। ये जल्दी से उठाए जाएंगे और घूमेंगे भी नहीं। अब मुझे बस सॉक को निकालना है। वाह कितने सारे हैं, मुझे इसे छिपाना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ ये सब। हाँ तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। थैंक्स। अभी भी ठीक नहीं है, काफी बेहतर। अब बस फ्लोर्स की सफाई करना बाकी है। क्या यहाँ पर कितने सारे बाल पड़े हैं? ओह कितना बेहुदा है, मैं बीमार हो जाऊंगी। ये नई ड्रेसिंग बहुत टेस्टी है। ये बाल यहाँ कैसे आए, अब मुझे और भूख नहीं लग रही। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेडिंग बीस्ट में रह रही हूँ। क्या ये कभी खत्म भी होंगे। ये यहाँ से आ रहे हैं। एनी का कमरा, अब मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। ये बालों का ड्रामा अब खत्म होने वाला है। एनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी एनी है, कभी ना खत्म होने वाली शेडिंग मशीन। तुमने हर जगह अपने बाल ही बाल कर दिए हैं। ओह देखो,
मॉम, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, तुम्हारा हुआ है। ये तुम्हारे बाल है, ये ब्रश में फंस गए हैं। अब मैं इनको बाहर कैसे निकालूं? तुम्हें पता है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या वहाँ पर कोम पड़ी है? बालों को इकट्ठा करने के लिए उसका यूज करते हैं। ये बाहर आ रहे हैं। देखो हनी। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने काम किया। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसलिए मुझे सुपर मॉम कहा जाता है। सब तैयार है, मेरे बाल ब्रश कर दो। तो आपने लंच पे क्या पैक किया है? एक बर्गर? ये एप्पल्स तो सड़े हुए हैं मॉम। ये प्लास्टिक बॉक्स की वजह से हुआ है। एक मिनट रुको, ये रबर बैंड सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है। अब एप्पल्स खराब नहीं होंगे। देखो और सीखो। पहले इसे स्लाइस करेंगे। देखा, हो गया। पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर रबर बैंड लगाएंगे। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। तैयार हो हनी? ये रहे बिल्कुल नए एप्पल स्लाइसेस। अब चलो पिकनिक पर चले। हमने सही जगह चुनी है। मैं एप्पल खाने के लिए तैयार हूँ मॉम। तुम्हें बिल्कुल ताजे मिलेंगे। तो चलो अब देखते हैं। ये तुम्हारे लिए फ्रेश है। वाह, क्या आपने इसे काटा हुआ है? आपकी तरह ये कोई नहीं काट सकता मॉम। जरा मैं भी खा लूं। चलो तुम्हारी मॉमी से मिले। हाय, तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? तुम्हारी शूज, ये तुमने उल्टे पहने हुए हैं। हे मामी। हेलो डार्लिंग। स्कूल तो बहुत बोरिंग था मामी। मेरे काम का दिन भी। डिनर में क्या है? अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी शूज उतारो और जाओ खेलो। मैं जा करूँगी। इसे ठीक करना होगा और मुझे पता है क्या करना है। इन शूज से इनसोल्स निकाल लें। एक पेपर पर कार्टून कैरेक्टर प्रिंट करें और उसे आधे में काट लें। और पेपर के दूसरे हिस्से पर ग्लू लगाएं। अब लेफ्ट वाले इनसोल पर प्रिंट आउट का लेफ्ट साइड लगाएं। और राइट वाले पर राइट वाला लगाएं। अब इनसोल्स को इनके शूज में डालें। और अब आप बता सकते हैं लेफ्ट वाला कौन सा है और राइट वाला कौन सा। तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलती? मामी, मेरे शू में बनी है, पर ये फनी लग रहा है। अब ठीक है। वाह, ये कितना आसान था ना। तुमने कर दिखाया स्वीटी। गुड गर्ल। कुछ अलग लग रहा है। रुको, मैं समझ गया। मेरे शूज, ये मुझे देख रहे हैं। अगर मैं शायद ऐसा कर दूं, ये ट्रिकी है। समझ गया। अगर मैं ये वाला यहाँ रखूंगा। समझ गया, बच गए। मैं तो बुद्धू था। अब काफी बेहतर है। मिलेंगे मामी। मेरा परिवार कितना प्यारा है। बेवकूफ है पर प्यारा है। बहुत मजा आ रहा है डैडी। देखो, तुमने देखा उसने क्या किया। बेवकूफ है। हनी, जरा मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम दे दो। तुम अकेली ही सारी खा रही हो। ठीक है, बस एक चम्मच। ठीक है, शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ डैडी। हे, ये काफी अच्छी है। हाँ, अब फिल्म देख लेते हैं। शायद नहीं, मैंने उसे कहा था मैं ये खिलूंगा। एक और बाइट ले लेता हूँ। ये मूवी बहुत अच्छी है। बस एक चम्मच और, पक्का प्रॉमिस। ये हुई ना बात। हाँ, नहीं, ये कहाँ गई? मैंने क्या कर दिया? मैं कह दूंगा कि ये डॉग ने खा ली। रुको, हमारे पास तो डॉग है ही नहीं। मैंने सोचा फ्लफी भी मूवी देख लेगा। मेरी आइसक्रीम पकड़ने के लिए शुक्रिया डैड। आपने सारी खा ली? क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, बाय। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? नहीं, मुझे आइसक्रीम की जगह कुछ डालना होगा, जल्दी। कैरेट जूस, मैं तो जीनियस हूँ। थोड़ा सा जूस ग्लास में डालें, ऊपर थोड़ा फॉइल लगाएं
इसे नीचे की तरफ अच्छे से दबा दे। अब इस पे पॉपसिकल स्टिक लगाएं। इसे फ्रीजर में रखें और सेट होने का इंतजार करें। ये हो गया। हे डैडी, ओह पॉपसिकल्स। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मेरे लिए? वाओ, स्वादिष्ट। यम्मी। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। फिर बाल बाल बचे पड़ेंगे। तुम बहुत प्यारे हो। हेलो, तुम कैसा महसूस कर रही हो? बोलो आ? नहीं, चलो अपना पूरा मुंह खोलो। हट जाओ, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तुम एक जादू देखोगी। वाह, आहा, पकड़ लिया। ये हर बार काम करता है। आपने मुझे बुद्धू बनाया। हाँ बिल्कुल। अब मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुननी है। मुझे ये पसंद नहीं है। ये करना बंद भी करो। ये मजेदार है। ये मिस्टर क्यूट है। ये देखो, तुम्हें जल्दी करना होगा। बैठ गया। हेलो मत, परफेक्ट। क्या? हाँ, ये अच्छा था ना? ये मुझे दो। मुझे मेडिकल में 10 साल हो गए और ये करना पड़ रहा है। जरा रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं इस बटरफ्लाई को अपने स्टेथोस्कोप पर लगाऊंगा और अब ये खतरनाक नहीं लग रहा। हे, अब ये बटरफ्लाई है। वाह, कितनी सुंदर है। ये तुम पर आकर बैठेगी। एकदम ठीक है, मैं हिलूंगी नहीं। पकड़ लिया। ओह माय गॉड। ओप्स, शायद ये मदद करेगा। नहीं नहीं, सब ठीक है। मुझे जरा डॉक्टर की मदद चाहिए। ओह, ये मजेदार है। मैं इसे पॉप करने से रुक ही नहीं पा रही। ओह, कितनी प्यारी है। जरा इसके हाथ तो देखो, कितना तेज चलाती है। पास्ता कौन खाना चाहेगा? ये कर करके तुम थक गए होगी ना। बॉन एपेटिट। तुम बहुत बिजी हो। हाँ, या फिर तुम्हें कुछ और दिलचस्प चाहिए? इसे देखकर खाने का मन कर रहा है? No thanks. कितना चुन चुन कर खाती है। ओह, इसका हल तो मेरे सामने ही था। मैं समझ गई। सबसे पहले हमें गर्मा गर्म पानी चाहिए और फिर इसमें थोड़ा कलर डालेंगे। और अब बारी है पास्ता की। ये अंदर जाएगा दोस्तों। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो टोंग से इसे बाहर निकाल ले। देखो कितनी मजेदार रंग है। लंच तैयार है। तो ये तुम्हारी स्पीड है? हाँ, ये पॉपिट नूडल्स लग रहे हैं। मुझे भूख लगने लगी। आप सबसे अच्छी मॉम हो। जब तुम ऐसा कहती हो, मुझे तुम पर प्यार आता है। बस मुझे अब सोना है और कल मेरा थिएटर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं रुक ही नहीं पा रही। बहुत बुरी नींद आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सब दर्द हो रहा है। हेलो स्लीपी हेड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें फीवर तो नहीं है? जरा इसे लगाओ। कफ सिरप काम आएगा। अपना मुंह खोलो। यक, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर थिएटर मैं मिस नहीं कर सकती। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो डार्लिंग, पर तुम बीमार हो। ओह, एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ तुम खुश कैसे होगी। एक सीरियल बॉक्स लें और उसमें से स्क्वायर काटें। इस तरह बॉक्स को रखें और इसके ऊपर एडहेसिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं। एडहेसिव पेपर के अलग अलग कलर्स लगाते जाएं। दो अलग अलग कलर्स से इसे ढकें। अब सीजर से बीच से पेपर हटा दें। अब दो टिश्यू पेपर लें और उन्हें फोल्ड करें। बिल्कुल इस तरह। अब टिश्यू पेपर को बॉक्स के अंदर रख दें। ऊपर और नीचे दो स्लिट्स बनाएं। अब इसके बीच में पॉपसिकल डाल दें। आखिरकार कार्ड पर कैरेक्टर्स बनाएं और उन्हें पॉपसिकल स्टिक्स पर चिपका दें। तुम शो के लिए तैयार हो? वाह, ये तो बढ़िया है। थिएटर खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? वो, बहुत अच्छी। अब
बहुत गंदा था। बस ये फैले नहीं, हम साथ में बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम शांति से, बस मॉम ना सुन ले। मैं आ ही गई। मैं कैसी लग रही हूँ? शानदार, मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं। ओह, इससे पहले मॉम देख ले, मैं ये हैट हटा देती हूँ। मैं अपने बाल खराब नहीं करूंगी। लो, चलो चले, इतनी जल्दी नहीं, वापस आओ। तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? बाहर ठंड है, तुम्हें हैट चाहिए। मॉम, यहाँ हैट्स नहीं है, तो मुझे ऐसे ही जाना होगा। पहले तो हैट्स यही थी। सुबह इसे मैं देखती हूँ। मुझे बस ये कैची चाहिए। इस हुडी की स्लीव को काटेंगे, इसे कोने से फोल्ड करके नॉट में बांधेंगे। काफी जोर लगता है। लो, एक प्यारी सी हैट बन गई। ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैं एक नोम जैसी लग रही हूँ। मुझे शुक्रिया मत कहो, चलो जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये बहुत शर्मनाक है। कितनी सुंदर ड्राइंग है, मुझे और ग्रीन करना है। ओ, मेरी प्यारी आर्टिस्ट को तो देखो। हाय मॉमी। ओ नहीं, ये क्या है? बस यहाँ हैमस्टर ना हो। ओह, ये तो तुम्हारे क्रेयॉन्स हैं। नहीं, अब मैं ड्रॉ कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मम्मी कुछ सोचेंगी शायद। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये मोल्ड काम आ सकता है, ट्राई करके देखते हैं। मैं टूटे हुए क्रेयॉन्स को इस मोल्ड में रखती हूँ। सारे नंबर्स फिल करने हैं। हाँ, हो गए। अब इस मोल्ड को अवन में रख देंगे, इससे ये वैक्स पिघल जाएगी। ऐसा लग रहा है केक बेक हो रहा है, बस उम्मीद है ये काम करे। चलो अब मोल्ड को अवन से बाहर निकाल लें। ध्यान से, ये गर्म है। पहले इसे ठंडा होने देंगे और फिर मोल्ड से निकाल लेंगे। मजेदार है ना? मैं इन्हें इस प्लेट पर लगा देती हूँ, उम्मीद है शेरल को ये पसंद आए। वो मेरे फेवरेट क्रेयॉन्स थे। कोई बात नहीं डार्लिंग, देखो मम्मी के पास क्या है। क्या ये क्रेयॉन्स है? ओह, ये तो नंबर्स है। मैं पहले कौन सा इस्तेमाल करूँ? देखो मॉम, इसमें तो अलग अलग कलर्स है। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। मुझे बहुत पसंद आए। मुझे इससे छुट्टी चाहिए। क्यों? तो हनी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया प्ले रूम दिखाऊं। सुंदर है ना? हाँ? वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। ओह, यहाँ बहुत चीजें खतरनाक है। नहीं हनी, तुम यहीं रुको, आगे मत बढ़ो। मैं जरा पहले देख लूं। इस कमरे को सेफ्टी प्रूफ करना होगा। सारी नुकीले कोनों को कवर करना होगा। सब पर डक टेप लगेगी। ठीक है, लगता है अब ये सेफ है। बहुत मेहनत का काम था। हाँ हनी, तुम खेलने के लिए तैयार हो? ओए, आओ, मैं गिर गई। ये खेलते हैं। रुको, हेलो मत, बच गया। मुझे यहाँ थोड़ी और टेप लगानी होगी। एक स्ट्रिप यहाँ फर्श पर। अब मैं इस पर रग लगा देता हूँ। लो, इससे अपनी जगह पर रहेगा। हाँ, अब मजे करो। ये खेलते हैं। मैं ये लेना चाहूंगी, अच्छी चॉइस है। ये लो बेटी। चले हनी। यम्मी। जरा रुको स्वीटी, मुझे ये उठाना होगा। हेलो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है बेटी। मेरे लॉलीपॉप, मुझे इसे उठाना होगा। गंदी हो गई।
मेरा बलून कहाँ चला गया? नहीं, वापस आओ। मुझे माफ कर दो बलून, ऐसी बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होती है? बेटी, क्या हुआ है? ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं हनी, मम्मी सब ठीक कर देगी। ये इमरजेंसी है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, मुझे कॉलेज में रहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती ये दोबारा हो। इस लॉलीपॉप के साथ रिबन को बांध देंगे, इतना काफी है। ये लो बेटी। वाह, थैंक्स मॉम। देखो अब मेरा बलून उड़ नहीं रहा। ये अच्छा हुआ हनी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, मम्मी संभाल लेंगी। ओह, ये काफी अलग था। रीडिंग मजेदार है। मुझे नींद आ रही है। 1, 2, 3। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, चलो कुछ ड्रॉ करें। पहले एक प्लास्टिक का फोल्डर लें, अब हम इसके ऊपर एनिमल्स बनाएंगे। सबसे पहले एक प्यारी सी शीप। ओह, कितनी प्यारी है। अब एक चेक बनाते हैं। इसे येलो फेदर्स चाहिए। अच्छा लग रहा है। और अब स्काई और सुंदर सी ग्रास। काफी बिजी काम है। एक कार्ड की ब्लैक शीट ले और इसे होल्डर के अंदर डाल दें। अब एक टॉर्च ड्रॉ करें और लाइट की बीम। अब पेपर टॉर्च को होल्डर में डाल दें। अब पाम दिख रहा है, कितना बढ़िया आइडिया है। वाह मॉम। कितना बढ़िया सपना था। वो क्या जगह है, काफी काम की चीजें होंगी। ओह, ये क्या है? परफेक्ट क्राइम। ओह नहीं, भागो। यहाँ क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं आ रही हूँ डैड। जरा अलार्म बंद कर दूँ, यहाँ चोरी हुई है। ज्वेलरी, ये सब यही है और गोल्ड भी। भगवान का शुक्र है। हाँ? ये सब गया डैड, मेरी डॉल की कपड़े वो सब ले गया। स्वीटहार्ट, मुझे माफ कर दो, ये लो टिश्यू लो। मैं जानता हूँ क्या करना है। सबसे पहले बलून के नीचे का हिस्सा काटें। अब बलून को फोल्ड करें और इसके साइड से एक छोटा सा पीस काटें। अब इसे खोलें। आपके डॉल के लिए नई आउटफिट बन गई। अब हमें इसे ये पहना देना चाहिए। एक और बलून के नीचे का हिस्सा काटें। इससे बढ़िया लेगिंग्स बन जाएंगी। एक बड़े बलून का अलग रंग डालने के लिए एक बड़ा सा बलून ले, ऊपर और नीचे से इसे काटें। अब इसे डॉल के लातों में पहना दे। कितनी बढ़िया स्कर्ट बन गई। उसे कैट वॉक करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी डॉल्स के लिए नया वार्डरोब तैयार कर दिया। वाह डैडी, कमाल का लग रहा है, ये कितनी फैशनेबल है। हेलो, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। तुम नए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं गाड़ी साफ करना। आज गर्मी है। हेलो, मैं पेट अंदर कर लेता हूँ। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जरा उसे देखो और मेरी हेयर क्लिप देखो। हे लेडीज, ये कितना फनी है ना? क्लास से? वो मेरे साथ हंस रही है। नहीं, ओ नहीं। हर बार की तरह। खैर, मैं काम ही कर लेता हूँ, इसे साफ करना होगा। चमक रही है, मैंने अच्छा काम किया। ये हुई ना बात। मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ डैडी। चलो बैठो हनी। हाँ, चलो चले डैडी। मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। मुझे ये गाना पसंद है। ले 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 ले। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? ओप्स, सॉरी। मैंने अभी ये साफ की थी। पर मैं थोड़ा सा तो डांस कर सकती हूँ। मैंने अभी क्या कहा? कोई बात नहीं, गहरी सांस लो, योगा क्लास की बात याद करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। इस टी शर्ट से सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे हेडरेस्ट पर लगा देता हूँ और पूरी सीट पर नीचे तक खींच देंगे। अब तुम डांस कर सकती हो हनी।
थैंक्स डैडी। चलो चले। हेलो, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी स्नैक बनाया है। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, बेहुदा, मुझे बर्गर चाहिए। हे भगवान, खैर तुम्हें ये नहीं मिल सकता, तुम्हें ये खाना होगा। ट्राई तो कर देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बर्गर चाहिए। वो तो हम देख लेंगे। देखो एप्पल आ रहा है, ये आ गया, मुँह खोलो और बाइट लो। चलो बिहारी, तुम्हें एप्पल्स पसंद है, ये तो तुम्हारे फेवरेट है। चलो ठीक है, इस टेस्टी कैंडी बार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वाओ, मुझे कैंडी बार्स बहुत पसंद है। ये मुझे ये चाहिए, ये पास और पास आती जा रही है। नहीं, मैं एप्पल्स नहीं खाऊंगी। ठीक है, चलो ये ट्राई करें, देखो मेरे पास क्या है। यानी अरे वाह, मिस्टर ब्रिंगटन तुमसे मिलने आए हैं। ये लो, अब इनके गले लग जाओ। बढ़िया, अब उसका ध्यान बेयर में है, मैं इन्हें चुपके से उसको खिला दूंगी। हाँ, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं एप्पल्स नहीं खाऊंगी। ओह, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मैं कुछ न कुछ तो जरूर कर सकती हूँ। हाँ, उसने कहा कि उसे बर्गर चाहिए, मैं समझ गई। बिल्कुल नहीं, इस बार मैं उसको बुद्धू बना कर रहूंगी। अब उसके लिए फ्रूट बर्गर बनाने का समय है। एप्पल बन बनेगा, कीवी लेटस बनेंगे, मीट की जगह पर पीच की स्लाइस और कॉन्डिमेंट्स की जगह स्ट्रॉबेरीज और बनानास। मैं कुछ एप्पल फ्रेंच फ्राइज भी बना सकती हूँ। हनी, मैंने तुम्हारे कहने पर बर्गर बनाया है। वाह, इतना बड़ा बर्गर मेरे लिए और फ्रेंच फ्राइज भी। फ्रेंच फ्राइज तो मुझे बहुत पसंद है। ये बर्गर टाइम है। यामी, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर है, मेरी प्यारी बच्ची। मैं ये लेना चाहूँगी, अच्छी चॉइस है। ये लो बेटी। चले हनी। यम्मी। जरा रुको स्वीटी, मुझे उठाना होगा। हेलो, तुमसे बात करकर बहुत अच्छा लगा। मम्मी। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है बेटी। मेरे लॉलीपॉप, मुझे इसे उठाना होगा। गंदी हो गई। मेरा बलून कहाँ चला गया? नहीं, वापस आओ। मुझे माफ कर दो बलून, ऐसी बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होती है? बेटी, क्या हुआ है? ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं हनी, मम्मी सब ठीक कर देगी। ये इमरजेंसी है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, मुझे कॉलेज में रहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती ये दोबारा हो। इस लॉलीपॉप के साथ रिबन को बांध देंगे, इतना काफी है। ये लो बेटी। वाह, थैंक्स मॉम। देखो, अब मेरा बलून उड़ नहीं रहा। ये अच्छा हुआ हनी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, मम्मी संभाल लेंगी। ओह, ये काफी अलग था। सब तैयार है, मेरे बाल ब्रश कर दो। तो आपने लंच पे क्या पैक किया है? एक बर्गर। ये एप्पल्स तो सड़े हुए हैं मॉम। ये प्लास्टिक बॉक्स की वजह से हुआ है। एक मिनट रुको, ये रबर बैंड सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है, अब एप्पल्स खराब नहीं होंगे। देखो और सीखो। पहले इसे स्लाइस करेंगे। देखा, हो गया, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर रबर बैंड लगाएंगे। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। तैयार हो हनी? ये रहे बिल्कुल नए एप्पल स्लाइसेस। अब चलो पिकनिक पर चले। हमने सही जगह चुनी है। मैं एप्पल खाने के लिए तैयार हूँ मॉम। तुम्हें बिल्कुल ताजे मिलेंगे। तो चलो अब देखते हैं। ये तुम्हारे लिए फ्रेश है। वाह, क्या आपने इसे काटा हुआ है? आपकी तरह ये कोई नहीं काट सकता मॉम। जरा मैं भी खा लूं। बहुत तेज लगी मॉम, मॉम मदद करो। क्या हुआ है? हे भगवान, तुम ठीक तो हो? बेचारी बच्ची, क्या हुआ है? ओ, इसे टच मत करो मॉम। मॉमी सब ठीक कर देंगी। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारा फोन ले लूं। पॉप इट।
कितना एडिक्टिव है। मॉम, यहाँ मेरा खून आ रहा है। हे, क्या? ओ, माफ करना, मैं अभी आती हूँ। वाह, उन्हें फर्क भी पड़ता है या नहीं? मॉम, आप यहाँ हो? मेरी बच्ची क्या कर रही है? देखो मैं क्या लाई। ये तुम्हारी एल्बो के लिए, ये नीज के लिए और ये सर के लिए। वाह, थैंक्स मॉम। अब मैं अपनी स्केटबोर्ड से जितनी बार भी गिरूं, मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो और अब तुम सेफ हो। मैं बाहर जाकर खेलूं? बिल्कुल, जाओ। मेरी मॉम सबसे अच्छी है। वो हो। अगर मेरे भी बाल ऐसे कर्ल हो जाए तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक, दो, तीन, चार। अभी भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं सभी स्ट्रैंड्स को एक बार में करूंगी। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, मैं इसे होल्ड करने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये पक्का काम करेगा और ब्रेड से भी काम हो जाना चाहिए। ये काफी टाइटली पकड़ लेंगे। इतना क्यूट नहीं है पर जो भी हो। मुझे एक मैगजीन वाले खूबसूरत बाल कभी नहीं मिलेंगे। रो क्यों रही हो एनी? मैं इसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। कर्लिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है पर लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। पर पहले हमें तुम्हारे बालों को स्मूथ करना होगा और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं और फिर वैसे। नहीं, ये वापस से उग जाएंगे। एक मिनट रुको। आइडिया, मुझे पता है। पहले एक स्ट्रैंड को पानी से स्प्रे करते हैं, फिर ब्रश के हैंडल को कर्लर की तरह यूज करें। इसे बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं। ओह हेलो कर्ल्स। हॉट कर्लिंग आयरन की जरूरत किसे है? और हीट से बालों के खराब होने का खतरा भी नहीं। शुक्रिया डैड। मुझे खुशी है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया। कितनी शांति मिली है। दीदी, देखो मामी। क्या? अभी नहीं, मैं अपना शो देख रही हूँ। मामी ने अभी क्या कहा डार्लिंग? जाओ वहाँ जाकर खेलो। दीदी, मुझे ये गेम पसंद है। मामी कितनी बुद्धू है। देखो मामी, आपका सर रोड है। अब बहुत हुआ, इधर आओ। सॉरी मॉमी, मैं आराम से बैठ जाऊंगी। बहुत देर हो गई। मैं फर्श पर टेप चिपकाऊंगी और थोड़ी और स्ट्रिप। फिर अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, मॉमी काम कर रही है। इस मार्कर से थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? हो गया। स्वीट हार्ट, जरा इधर आओ, मामी के पास एक सरप्राइज है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो रोड है, मेरी कार उस पर चल सकती है। थैंक्स मामी। मैं इसे ट्राई करूं? विम, विम, विम। विम। वो कितनी प्यारी है। अब मैं आराम से टीवी देख सकती हूँ। यही चाहता था, अकेले और अच्छा समय बिताना। मुझे ये वीडियोस बहुत पसंद है। वाह, जरा इन मूव्स को तो देखो। मैं हमेशा से कराटे मास्टर बनना चाहता हूँ। ये हाथ बहुत खतरनाक है। आउच, बहुत जोर से लगा। तो मेरा निंजा करियर खत्म हो चुका है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? हे डैड, कैसे हो? पकड़ो। माफ करना, मैं नहीं पकड़ सकता। ओह डैड, बहुत जोर से लगी। रुको, मैं जानता हूँ। तुम मेरे कास्ट पर ड्रॉ कर सकती हो, इससे मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, और मैं जानती हूँ कि क्या लिखना है। पहले एक सर्कल बनाएंगे और अब आईब्रोज और आँखें। आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अब इसकी जीभ। अब उसे कलर करते हैं। आंखों के ऊपर थोड़ा ब्लू। लगभग हो ही गया। तो आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। अच्छा काम किया। मैं काफी टैलेंटेड हूँ।
हाँ बिल्कुल। आओ, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। मॉम, मॉम, मदद करो। क्या हुआ है? हे भगवान, तुम ठीक तो हो? बेचारी बच्ची, क्या हुआ है? ओ, इसे टच मत करो मॉम। मॉमी सब ठीक कर देंगी। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारा फोन ले लूं। पापिर, कितना एडिक्टिव है। मॉम, यहाँ मेरा खून आ रहा है। हे, क्या? ओ, माफ करना, मैं अभी आती हूँ। वाह, उन्हें फर्क भी पड़ता है या नहीं? मॉम, आप यहाँ हो? मेरी बच्ची क्या कर रही है? देखो मैं क्या लाई। ये तुम्हारी एल्बो के लिए, ये नीज के लिए और ये सर के लिए। वाह, थैंक्स मॉम। अब मैं अपनी स्केटबोर्ड से जितनी बार भी गिरूं, मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और अब तुम सेफ हो। मैं बाहर जाकर खेलूं? बिल्कुल, जाओ। मेरी मॉम सबसे अच्छी है। हे, तुम्हें स्नैक खाना है? खैर, अभी नहीं। चलो इस पर ध्यान दो। आप जानते हो ये कहाँ है? अंदाजा लगाओ। मुझे मदद चाहिए प्लीज। स्कूल का समय हो गया। ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक्स डैडी। मुझे शूज चाहिए डैडी। अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। ये लो पहनो, गुदगुदी होती है। ठीक है, सीधी बैठी रहो। आप बहुत फनी हो डैडी। तुम मुझे ये करने दोगी? माफ करना। हो गया, अब सीधा स्कूल जाना, ठीक है? ओके, बाय डैडी। बाय। काफी मुश्किल था। मैं जरा थोड़ी झपकी ले लूं। उठो डैडी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, यही इंतजार करो। ये लो स्वीटी, सब आ गया, ठीक है? अब मैं आराम कर सकता हूँ। अब क्या हुआ है? ये गलत बात है डैडी। क्या हुआ? बारिश आ रही है, मैं गीली हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये छाता इस्तेमाल करो। थैंक्स, बाय। बस वो वापस ना आए। अरे वाह, काफी तेज तूफान है। मैं दोबारा कभी बाहर नहीं जाऊंगी। ओ नहीं, छाता टूटा हुआ है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं डार्लिंग। पर अरे नहीं, मुझे बस अपने लिए समय चाहिए। मैं गोल्फ खेलने जाने वाला था। जरा रुको, ये शावर का कर्टन। इससे मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। शावर के कर्टन को फोल्ड करें और एक ट्रायंगल बनाएं। इसके ऊपर का हिस्सा काट दें। दो पीसेस को एक के ऊपर एक रखें। इन्हें साथ में चिपकाने के लिए हीट प्रूफ पेपर और हेयर स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करें। कोई गैप नहीं होना चाहिए। वाह डार, ये पोंछो तो बहुत अच्छा बना है और कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं बाहर जा सकती हूँ। हाँ, मैं एक जीनियस हूँ। ये तो कमाल है, मैं गीली भी नहीं हुई। ओह, धूप आ गई, पर मैं अपना पोंछो पहनना चाहती थी। क्या दिन है, चलो तुम्हारी मॉमी से मिले। हाय,
तुम्हारे स्कूल में दिन कैसा रहा? तुम्हारी शूज, ये तुमने उल्टे पहने हुए हैं। हे मामी। हेलो डार्लिंग। स्कूल तो बहुत बोरिंग था मामी। मेरे काम का दिन भी। डिनर में क्या है? अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी शूज उतारो और जाओ खेलो। मैं जा करूंगी। इसे ठीक करना होगा और मुझे पता है क्या करना है। इन शूज से इनसोल्स निकाल लें, एक पेपर पर कार्टून कैरेक्टर प्रिंट करें और उसे आधे में काट लें और पेपर के दूसरे हिस्से पर ग्लू लगाएं। अब लेफ्ट वाले इनसोल पर प्रिंट आउट का लेफ्ट साइड लगाएं और राइट वाले पर राइट वाला लगाएं। अब इन सोल्स को इनके शूज में डालें और अब आप बता सकती हैं लेफ्ट वाला कौन सा है और राइट वाला कौन सा। तुम बाहर जाकर क्यों नहीं खेलती? ये मामी, मेरे शू में बनी है पर ये फनी लग रहा है। अब ठीक है। वाह, ये कितना आसान था ना। तुमने कर दिखाया स्वीटी, गुड गर्ल। कुछ अलग लग रहा है। रुको, मैं समझ गया। मेरी शूज ये मुझे देख रही है। अगर मैं शायद ऐसा कर दूं, ये ट्रिकी है। समझ गया। अगर मैं ये वाला यहाँ रखूंगा। समझ गया, बच गए। मैं तो बुद्धू था। अब काफी बेहतर है। फिर मिलेंगे मामी। मेरा परिवार कितना प्यारा है। बेवकूफ है पर प्यारा है। बहुत अच्छा है, कितनी सुंदर ड्राइंग है। मुझे और ग्रीन करना है। ओ, मेरी प्यारी आर्टिस्ट को तो देखो। हाय मामी। ओ नहीं, ये क्या है? बस यहाँ हैमस्टर ना हो। ओ, ये तो तुम्हारे क्रेयॉन्स हैं। नहीं, अब मैं ड्रॉ कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मामी कुछ सोचेंगी शायद। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये मोल्ड काम आ सकता है, ट्राई करके देखते हैं। मैं टूटे हुए क्रेयॉन्स को इस मोल्ड में रखती हूँ। सारे नंबर्स फिल करने हैं। हाँ, हो गए। अब इस बोर्ड को अवन में रख देंगे। इससे ये वैक्स पिघल जाएगी। ऐसा लग रहा है केक बेक हो रहा है। बस उम्मीद है ये काम करे। चलो अब मोल्ड को अवन से बाहर निकाल लें। ध्यान से, ये गर्म है। पहले इसे ठंडा होने देंगे और फिर मोल्ड से निकाल लेंगे। मजेदार है ना? मैं इन्हें इस प्लेट पर लगा देती हूँ। उम्मीद है शेरों को ये पसंद आए। वो मेरे फेवरेट क्रेयॉन्स थे। कोई बात नहीं डार्लिंग, देखो मम्मी के पास क्या है। क्या ये क्रेयॉन्स है? ओह, ये तो नंबर्स हैं। मैं पहले कौन सा इस्तेमाल करूँ? देखो माँ, इसमें तो अलग अलग कलर्स हैं। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। मुझे बहुत पसंद आए। ओह नहीं मम्मी। ओह, मुझे इससे छुट्टी चाहिए। पता नहीं और क्या करना है। थोड़ा सा खा कर देखो स्वीटी। नहीं, मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। ओह, मैं समझ गई। मैं तुम्हें एक खिलौना दूंगी। नहीं। ठीक है, तो फिर ये सारे पॉपेट कैसे रहेंगे? मेरे पास पहले से एक है, देखो। ये आप रखो। कितनी कोशिश करूं। इस पैसों से भरे हुए केस के बारे में क्या ख्याल है? सोचो तुम इससे कितनी कैंडीज ले सकती हो। ओह, इतने सारे पैसे? नहीं, आप मुझे खरीद नहीं सकती। तुमसे बहुत बार्गेन करना पड़ता है। मुझे नहीं खाना। वो, मेरा किचन खराब कर दिया। मजा आया, मैं अपनी मोमेंट से खेलना चाहती हूँ। एक मोमेंट? इससे मुझे एक आइडिया आया। खाने को मजेदार बनाने के लिए आपको बस एक चम्मच और मॉडलिंग प्लेट चाहिए। पहले इसे फ्लैट करें। अब इसे इस चम्मच के ऊपर लपेट दें और मोड़ें। अब क्ले के नीचे के हिस्से को फिश टेल की शेप दें, बिल्कुल इसी तरह। और अब इस पर डिटेल्स बनाने के लिए स्कल्पिंग टूल्स इस्तेमाल करें। बस इस टूल को इस तरह चलाना है। अच्छा लग रहा है। और अब चलो फिश स्केल्स बनाएं। ऊपर से शुरू करें और हैंडल के नीचे तक बनाते जाएं। ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, बस क्ले के ऊपर इस टूल को चलाना है। जब ये हो जाए, अब इस चम्मच को बेकिंग फ्रेम में रखें और अवन में डाल दें। इससे बेक हो जाएगा और क्ले सख्त हो जाएगी। अब इसे अवन से निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसे सिल्वर रंग दें। उम्मीद है अब ये काम आए। वाओ, एक मर्मेड स्पून, ये तो जादुई है। गुड गर्ल।
हाय हनी। डैडी। हाय स्वीट हार्ट। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। मैं ये नहीं खाने वाला। अब दोबारा नहीं। जैसे पापा वैसी बेटी। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। इससे मेरे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। मैं सोच रही थी अगर मैं जानती हूँ ये किसने किया है। उसे लगता है किसी को पता नहीं चलेगा। और कैंडी नहीं। अरे यार ये उसके अच्छे के लिए है। यहाँ क्या चल रहा है? आपको मुझसे क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है उस अलार्म का मतलब क्या है? विटामिन टाइम। मीठी गोलियों से काफी बेहतर है। चलो अपना हाथ आगे करो बच्चे। आप ही खाओ। समझ गई। तुम्हें ये लॉलीपॉप चाहिए? उसके लिए तुम्हें पहले ये खाना होगा। मुझे लगा था ये काम आएगा, पर मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। गमी कैंडीज के लिए सही रहेगी और आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। बस इसमें कट लगाना है। और ये हो गया। तुम एक और पीस खा सकती हो। अच्छे से खा जाओ। ये थोड़ी क्रंची है। काम बन गया। मैं एक ब्रिलियंट मॉम हूँ। मुझे बीमार होना पसंद नहीं है। मेरा प्यारा बच्चों, तुम तो तप रहे हो। ये ठीक नहीं है। हमें तुम्हें ठीक करना होगा। नर्स मॉमी की बारी है। ये क्या है? मैं मजाक कर रही थी। मुझे ये चाहिए। ये भी मजाक था। हमें ये चाहिए। मैं मुझे ये पसंद नहीं है। ये गंदा है। पर तुम्हें ठीक भी तो होना है। अपना मुंह खोलो। नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए। देखो मॉमी। मुझे सोडा चाहिए। मैं जानती हूँ उसे दवाई कैसे खिलानी है। एक खाली कोक का कैन ले और बीच से इसे खोल दे। अब कफ सिरप इसके अंदर डाले। अब कैन को वापस बंद कर दे। अब इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाले। मैं तुम्हारे लिए सोडा लाई हूँ बच्चे। ये लो पी जाओ। थैंक्स मॉम। गुड बॉय। स्वाद कुछ अलग है पर मुझे पसंद है। वाह वो देखो, मैं बड़ी होकर बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती हूँ। ये आवाज कैसी है? ग्रैंडमा सोने की कोशिश कर रही है। इस कमरे को तो देखो कितनी गड़बड़ है। मैं टीवी देख रही हूँ। खैर जो भी है, आजकल के बच्चे भी ना। ठीक है मैं साफ कर देती हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। नहीं मेरी कमर। अच्छी बच्ची बनकर मेरी मदद करो। रुको ये क्या है? मैं जानती हूँ ये सफाई कैसे करेगी। मैं उसके टॉय बॉक्स के ऊपर इस बास्केटबॉल हुक को लगा देती हूँ। जरा ये देखो, क्या तुम यहाँ आकर तुम ये करना चाहोगी? इसे जवान लोग क्या कहते हैं? खेलना चाहोगी? शूट सम हुक्स। चलो वो गया। मैं दोबारा करना चाहूँगी। अब ग्रैंडमा को सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ब्लेस मी। ओह कैंडी, ये मैं खा लेती हूँ। कुछ ठीक नहीं लगता। मेरे दांत, ये कहाँ गए? कितना मजेदार है, देखो ग्रैंडमा। नहीं मेरे दांत। सब चला गया। योर वेलकम ग्रैंडमा। पता नहीं और क्या करना है। थोड़ा सा खा कर देखो स्वीटी। नहीं मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। ओह मैं समझ गई। मैं तुम्हें एक खिलौना दूंगी। नहीं ठीक है। तो फिर ये सारे पॉपेट कैसे रहेंगे? मेरे पास पहले से एक है। देखो ये आप रखो। कितनी कोशिश करूं, इस
पैसों से भरे हुए केस के बारे में क्या ख्याल है? सोचो तुम इससे कितनी कैंडीज ले सकती हो। ओहो, इतने सारे पैसे? नहीं, आप मुझे खरीद नहीं सकती। तुमसे बहुत बार्गेन करना पड़ता है। मुझे नहीं खाना। मेरा किचन खराब कर दिया। मजा आया, मैं अपनी मोमेंट से खेलना चाहती हूँ। एक मोमेंट? इससे मुझे एक आइडिया आया। खाने को मजेदार बनाने के लिए आपको बस एक चम्मच और मॉडलिंग प्लेट चाहिए। पहले इसे फ्लैट करें। अब इसे इस चम्मच के ऊपर लपेट दें और मोड़ें। अब क्ले के नीचे के हिस्से को फिश टेल की शेप दें, बिल्कुल इसी तरह। और अब इस पर डिटेल्स बनाने के लिए स्कल्पिंग टूल्स इस्तेमाल करें। बस इस टूल को इस तरह चलाना है। अच्छा लग रहा है। और अब चलो फिश स्केल्स बनाएं। ऊपर से शुरू करें और हैंडल के नीचे तक बनाते जाएं। ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, बस क्ले के ऊपर इस टूल को चलाना है। जब ये हो जाए, अब इस चम्मच को बेकिंग ट्रे में रखें और अवन में डाल दें। इससे बेक हो जाएगा और क्ले सख्त हो जाएगी। अब इसे अवन से निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसे सिल्वर रंग दें। उम्मीद है अब ये काम आए। वाओ, एक मर्मेड स्पून, ये तो जादुई है। गुड गर्ल। हाय हनी। डैडी। हाय स्वीट हार्ट। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। मैं नहीं खाने वाला। अब दोबारा नहीं। जैसे पापा वैसी बेटी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। व्रम व्रम स्क्रीच। चलो देखें क्या मैंने इसके सारे टॉयज पैक कर दिए। ओह, मैं इसकी हैट नहीं भूल सकती और मेरी बुक भी और वाइप्स जरूरत पड़ने पर। ओह, ये भर चुका है। चलो भीड़ अंदर चले जाओ, मैं जानती हूँ तुम फिट हो सकते हो। बढ़िया, खैर अब क्या करूँ? वो वहाँ क्या खेल रहा है? हे मम्मी, वो मेरा था। ठीक है, मैं इस टॉय को कंटेनर से बाहर निकाल लेता हूँ और क्योंकि अब ये खाली है तो मैं इसके अंदर कुछ वाइप्स डाल सकता हूँ। ये कंटेनर छोटा है पर इसमें सारे वाइप्स आ गए हैं। हो गया, इतना काफी होगा और ये जगह भी बहुत कम लेगा। हे मॉम, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास चिप फेस है। हाँ, बहुत होशियार, बहुत बढ़िया। लेकिन एक सेकंड रुको, मैं अपने वाइप्स निकाल लूँ। इस वक्त ये काम करना सबसे जरूरी है। अब ठीक है, इधर करो। मॉमी बस तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा साफ करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। आह, कितनी बढ़िया दोपहर है। हे भगवान, अरे वाह। ओह हनी, देखो मॉम, मेरे ऊपर सोडा गिर गया। हे भगवान, खैर इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। देखो मेरे पास मेरे वाइप्स है। ये देखो, मैंने इसे साफ कर दिया। तुम्हारी शर्ट दोबारा से साफ हो चुकी है। अब तुम इस सोडा के बजाय ये एप्पल क्यों नहीं खाते? व्रम बीप बीप, ध्यान से, मैं आ रहा हूँ। रार, तीनों ट्रक ने तुम्हें पकड़ लिया। रार। हनी, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? हनी, हनी, मम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है। हे भगवान, तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगी हुई है। खैर, अच्छी बात है कि मेरे पास ये वाइप्स दोबारा से है। लाओ मैं तुम्हारे हाथ साफ कर दूँ, इसे थोड़ी सफाई की जरूरत है। ये देखो, अब तुम्हारे हाथ बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ये थैंक्स मॉम, आप सबसे बेस्ट हो। मजा आ रहा है डैडी। देखो, तुमने देखा उसने क्या किया? बेवकूफ है। हनी, जरा मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम दे दो, तुम अकेली ही सारी खा रही हो। ठीक है, बस एक चम्मच, ठीक है? शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ डैडी। हे, ये काफी अच्छी है। हाँ, अब फिल्म देख लेते हैं। शायद नहीं, मैंने उसे कहा था मैं ये खिलूंगा। एक और बाइट ले लेता हूँ। ये मूवी बहुत अच्छी है। बस एक चम्मच और, पक्का प्रॉमिस। ये हुई ना बात। हाँ, ओ नहीं, ये कहाँ गई? मैंने क्या कर दिया? मैं कह दूंगा कि ये डॉग ने खा ली। रुको, हमारे पास तो डॉग है ही नहीं। मैंने सोचा फ्लफी भी मूवी देख लेगा। मेरी आइसक्रीम पकड़ने के लिए शुक्रिया डैड, आपने सारी खा ली। क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, बाय। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? नहीं, मुझे आइसक्रीम की जगह कुछ डालना होगा, जल्दी। कैरेट जूस, मैं तो जीनियस हूँ। थोड़ा सा जूस ग्लास में डालें, ऊपर थोड़ा फॉइल लगाएं, इसे नीचे की तरफ अच्छे से दबा दें। अब इसमें एक पॉप्सिकल स्टिक लगाएं
इसे फ्रीजर में रखें और सेट होने का इंतजार करें। ये हो गया। हे डैडी, ओह पॉपसिकल्स। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मेरे लिए? वाव, स्वादिष्ट। यम्मी। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। फिर बाल बाल बचे। देखो मामी। क्या? अभी नहीं, मैं अपना शो देख रही हूँ। मामी ने अभी क्या कहा डार्लिंग? जाओ वहाँ जाकर खेलो। ओप्स, मुझे ये गेम पसंद है। मामी कितनी बुद्धू है। देखो मामी, आपका सर रोड है। अब बहुत हुआ, इधर आओ। सॉरी मामी, मैं आराम से बैठ जाऊंगी। बहुत देर हो गई। मैं फर्श पर टेप चिपकाऊंगी और थोड़ी और स्ट्रिप। फिर अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, मामी काम कर रही है। इस मार्कर से थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। हो गया। स्वीट हार्ट, जरा इधर आओ, मामी के पास एक सरप्राइज है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो रोड है, मेरी कार उस पर चल सकती है। थैंक्स मॉमी, मैं इसे ट्राई करूं। विम, विम, विम। विम। वो कितनी प्यारी है, अब मैं आराम से टीवी देख सकती हूँ। इतना काफी होगा, मैं अभी वापस आती हूँ। रेड लिपस्टिक, ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है? मुझे बहुत बड़ा बड़ा महसूस हो रहा है। फ्रूट मॉम, हम एक जैसे हैं। तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। मुझे आइसक्रीम के सपने देखना बहुत पसंद है। काश मैं हमेशा हमेशा के लिए सोती रहती। और ये क्या हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? मुझे स्कूल के लिए तैयार होना होगा। लगभग हो गया। ले लिया। मैं अपने पीजे तो नहीं पहन सकती, क्या इससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अरे इन बालों का क्या करूँ? क्या यहाँ आसपास क्रंचेस पड़ी है? नहीं वो नहीं। मैं वो यूज कर सकती हूँ। चलो फिर, मुझे दो। वो, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। अब मैं क्या करूँ? इस लड़की का क्या होगा? अरे यार, शायद मैं इससे कुछ कर सकती हूँ। अरे मेरे बालों को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा। ओ, कुछ भी नहीं हो रहा। एनी, ये बिल्कुल यूज़लेस है मॉम। चलो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक दिखाती हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी हीट की जरूरत है। देखो, थोड़ी सी हीट इसको दोबारा से श्रिंक कर देगी। देखो ये चेंज हो रहा है। इसने इसको दोबारा से इलास्टिक बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची है। ये लो। वाओ, थैंक्स। मुझे लगता है अब मैं कर सकती हूँ। हेलो पोनीटेल, अब मैं स्कूल के लिए निकल सकती हूँ। एनी, तुम्हारा बैकपैक। बाय।